Assalamualaikum, assalamualaikum, and halal and masalal and merhaba. G, I am Upakay and very good morning to all of you. Well, Dunab, this is me, none other than Choppy and Crispy, live and loud

और आज तारीख हो चुकी है 26 अप्रैल की और उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ही उन्होंने कर लिया होगा आपने मेरा एफ एम वन ओ सेवन पॉइंट फोर सो जनाब आज के दिन के हवाले से हमेशा की तरह बहुत कुछ है जो कि आपके साथ मुझे शेयर करना है और इनफैक्ट uh, सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ ज़बरदस्त म्यूज़िक भी होगा और कुछ यू uh, नो you know, दिल की बातें डेफिनेटली सो जनाब आज के दिन के हवाले से अगर कोई ख़ास मसरूफियत है कोई ख़ास बात है शेयर करना चाहते हैं आप तो बिल्कुल शेयर करना uh, चाहिए भी अगर आपको लगता है आपको फील आ रही है कि आपको मेरे तक वो बात पहुंचानी चाहिए सो बिल्कुल यू आर मोर देन वेलकम ऑन चार चार साथ या फिर आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं वो ये कि उससे ज़रा डायरेक्ट uh, बात हो जाएगी सो so, आप uh, मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मालिक ऑफिशियल इट्स ए आई एस एच एम एल आई खे ऑफिशियल सो so, फिलहाल कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक ऑलरेडी uh, uh, आप सुन रहे थे बट uh, अभी मैं सजाद अली को प्ले करने जा रही हूँ और उम्मीद है कि आपको ये गाना पसंद आएगा वैसे सजाद अली का जो एक और है या सजाद अली का जो एक स्टाइल है गाने का वो बहुत सारे लोग जो है वो पसंद करते हैं लेकिन अगर आजकल की के जनरेशन की बात करें ना तो आजकल की जनरेशन भी जिन्होंने मेहनत की है ना अपने क्राफ्ट पे या जिन्होंने वाकई में कुछ ऐसा म्यूज़िक बनाया है या ऐसा काम किया है जो आज तक यू you नो know, आ, लोगों को आ, बहुत ज़्यादा मैसमराइज़ करता है सो so, आजकल की जनरेशन भी आ, सजाद अली की फ़ैन है अगर हम ये कहें कि आ, 90s या एटीज़ के जो लोग हैं वही उनको सुनना पसंद करते हैं या थोड़ा सा इससे और पीछे चले जाते हैं तो यू you नो know, एक आ, ऐसी जनरेशन है जो उनको पसंद करती है बट सिर्फ आ, थोड़े से एटीज uh, नाइन्टीज़ के लोग ही नहीं उनको पसंद करते बट बल्कि आज कल के जो जेंसी हैं ये मुझे एक्चुअली कुछ लोगों के साथ मिल के इतफाक हुआ कि यार मतलब जेंसी भी उनकी फैन है और बहुत ज्यादा उनको uh, सुनती है और कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो सुन के सीखते हैं जाहिर सी बात है uh, अब यहाँ पर हमारे अकेडमीज तो हैं नहीं लेकिन आ, कुछ सिंगर्स ऐसे हैं कि जिनको सुन के आजकल के जो सिंगर्स हैं जो नए सिंगर्स हैं वो अपने काम को निखार सकते हैं सो so, उसके लिए एक बहुत ही यू you नो know, प्यारे इंसान हैं और प्यारे सिंगर भी हैं और बहुत ही बेहतरीन गाने उन्होंने गाए हैं बहुत 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 अमेजिंग सीरियसली उनका मेरा ख्याल है कि कोई एक ऐसा गाना नहीं होगा जो लोगों ने ना सुना हो और कुछ गाने तो उनके ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा हिट रहे और उनमें से अगर देखा जाए तो मेरे पास अभी एक गाना क्यू में भी है तो मैं सोच रही हूँ कि यार उनका कौन सा गाना जो है वो आ, प्ले करूँ अच्छा ये गाना जो है ये पता नहीं मुझे क्यों पसंद है और आप में से शायद होगा ऐसा कोई इंसान जिसको ये गाना मेरी तरह ही पसंद होगा लेकिन गाने का टाइटल कुछ अजीब सा है चल झूठी सो <laughs> so इस गाने को सुनते हैं इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन मजीद आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेगी शो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन All right, welcome back once again. Well, uh, एक साथ ही ऊपर नीचे मैंने कुछ ऐसे गाने प्ले किए हैं जो uh, काफी ज्यादा यू you नो know, अपने जमाने के अपने वक्त के हिट सॉन्ग्स में से थे और उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे मैंने कहा थोड़ा सा एक जरा तड़का हम नाइनटीज की तरफ जाते हैं और लगाते हैं और कुछ थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपको आज थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट म्यूजिक सुनने को मिले और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर हम कुछ बात करें आज के दिन के हवाले से तो आज मौसम कदरे बेहतर है और कल ही मेरी मेरे कॉलीग से बात हो रही थी और Uh, उनके अकॉर्डिंगली भाई हम जो पंजाब वाले हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा uh, खुशकस्मत हैं इस वे में कि uh, हमारे यहाँ मौसम अभी तक प्लेजेंट काइंड ऑफ प्लेजेंट क्योंकि इस वीकेंड पे बारिश है एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि अगले वीक में भी बारिश है और जब बारिश हो जाती है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता है बेहतर हो जाता है और उसकी वजह से uh, काफ़ी हद तक uh, यू uh, नो you know, दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है वैसे दिल का मौसम किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है uh, सिर्फ इस बात को जहन में रखना होता है कि यार अगर कोई uh, इंसान आपके दिल के मौसम को uh, अटैक करने की कोशिश करता है आई I मीन mean, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो फिर उसका कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होना चाहिए आपके हाथ में होना चाहिए कि आप कितना राइट देते हैं एक बंदे को कि वो uh, आपकी प्राइवेसी में इन्वेट कर सके सो आई एम श्योर कि आप टोटली totally कंट्रोल अपने पास रखते होंगे और अगर कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश भी करता हो तो फिर आप को बेहतर तरीके से यू नो डील करने में आप को हुनर आना चाहिए सो so जनाब व्हाट्सएप का एक नया फीचर जिसपे काम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे और आ, एमन ख़ान की आ, हम शक्ल सोशल मीडिया पर काफी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और <laughs> कुछ लोग इस पर शदीद यू नो you know, इरिटेट भी हो रहे हैं और कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं मतलब लोगों की चॉइस की बात करें तो अगर एक अच्छा आ, फील कर रहा है तो दूसरा इंसान जो है वो उसके टोटली ऑपोजिट फील करेगा ऐसा so, ही है बहरहाल टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप से कब पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर के लिए खतरे की घंटी बच गई है ओके okay. सो so, चलें इस पर आगे चल के जरा बात करेंगे फिलहाल मैं चाह रही थी कि आपको एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनवाऊ अगर वो गाना मुझे मिल जाता है तो डेफिनेटली वो गाना मेरे प्रोग्राम में आप सुन लेंगे ओके uh, 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 okay. वैसे आजकल अहमद uh, जहां जेब जो है वो काफी ज्यादा इन हैं आपको पता ही है लेकिन एक गाना उनका बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था अगर वो मुझे गाना अभी के अभी मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं अभी ही प्ले करूंगी सो so, मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा थोड़ा सा पुराना तड़का लगाया जाए वो गाने जो आप नॉर्मली सुनते हैं वो तो जाहिर सी बात है आपको रोज ही सुनने को मिल जाएंगे बट ये गाने कुछ खास है सो so, इस गाने को प्ले करूंगी इसके बाद करते हैं आपको जो इन सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन और वेलकम बैक वंस अगेन वेल कुछ गानों की वाई भी कुछ अलग है Uh, जैसे अगर हम uh, इस गाने की बात करते हैं तो इसकी एक अलग फील है अभी बैक टू बैक मैंने कुछ ऐसे गाने प्ले किए हैं आप सब लोगों के लिए और आई एम श्योर कि आप uh, की वाइब आज कुछ इन गानों के साथ बेहतर हुई होगी सो so, जनाब uh, क्या अब वो व्हाट्सएप के बारे में मैं इनफैक्ट थोड़ी देर पहले, पहले बात रही थी सो so, क्या अब व्हाट्सऐप पर पिक्चर्स जो है वो इंटरनेट के बगैर भेजना मुमकिन होगा क्या आप सोच रहे हैं ऐसी बात अगर सोच रहे हैं तो इस पर बेसिकली काम आ, आ, करने के बारे में सोचा जा रहा है और शायद ऐसा हो जाए कि व्हाट्सएप जो है वो इंटरनेट का मोहताज ना रहे और आ, क्या पता आने वाला वक्त जो है वो कुछ ऐसा हो कि जिसमें इंटरनेट के बग़ैर ही आप जो है वो सर्च इंजन में जाके तो जो भी सर्च करना चाहें वो सर्च कर सकते हैं लेकिन अभी उसके लिए बहुत टाइम है बहुत ज़्यादा टाइम है अच्छा आ, हम इंटरनेट की बात कर ही रहे हैं तो कल की आ, बात करें तो सीएम पंजाब मरियम नवाज़ ने लॉन्च किया है 50 फ्री वाईफाई स्पॉट्स इन लाहौर और आ, आ, इसके अलावा जनाब उन्होंने एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायराकार को वसत देने का ऐलान भी किया है और बेसिकली अगर देखा जाए तो एक चीज़ तो कंफर्म है इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की है और ठीक है आ, बहुत सारे लोग जो है वो इख्तलाफ भी रखते हैं कुछ लोगों से जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं बट एक चीज़ अगर हम अंडरस्टैंड कर लें कि अगर हमारे बस में हो ना तो हम बहुत सारी चीज़ों को आ, होने से रोक सकते हैं लेकिन अगर एक इंसान चूज कर लिया जाता है उस पर हम क्रिटिसाइज पे क्रिटिसाइज इस कदर ज़्यादा करते हैं कि मेरी समझ से एक्चुअली ये बात बाहर हो जाती है मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं कर रही ना मैं किसी आ, को सपोर्ट कर रही हूँ बट एक जनरल बात कर रही हूँ कि यार आ, पता नहीं ऐसा क्यों है कि लोग इतना बैडली क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कुछ खवतानी सीरियसली कुछ ऐसी खातें जो टू तो सम हाउ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं बट वो ये भूल जाती हैं कि वो ख़ुद भी खातून हैं और अगर मतलब की एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं तो मरीम नवाज ने यू नो you know, यूनिफॉर्म पहना और उस यूनिफॉर्म पे इतनी कोई सोशल मीडिया पर डिस्कशन रही है मतलब इसके आगे और क्या है इसके आगे भी तो जहाँ और है तो जिन पर हम बात कर सकते हैं आखिर इन छोटी छोटी बातों को लेके हम क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं ठीक है अगर उनकी एक पोजीशन है और उनकी इस पोजीशन से बहुत सारे लोग आ, आ, खुश नहीं हैं सो जस्ट वेट एंड वॉच ना कि आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें कि जैसे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक ऐसा रुख जरूर सामने आता है कि भाई अच्छा आप इस तरह की सोच के इंसान हैं तो आपके ऊपर बात ज़्यादा आती है ना कि जिसको आप बैश कर रहे होते हैं उस पर सो so बेहतर है कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हुए हम बेहतर तरीके से यू you नो know, चीज़ों को डील कर सकते हैं अगर हम चाहें तो लेकिन ये टोटली हम पे बात आती है और हम हैं कि <laughs> सीधे तरीके से मानने वाले लोग ही नहीं हैं और जब कभी कुछ उल्टा होता है तो फिर हमें जाके कुछ समझ आती है और जब एक्चुअली हमारे साथ खुद होता है तो हमें फिर समझ आती है कि यार थोड़ा सा हमें हथोला रखना चाहिए थोड़ा सा हमें अपने आप को समझाना चाहिए कि यार ये चीज़ें सही नहीं है खैर अभी एक और ट्रैक की जानव मैं आपको लेकर चलूंगी और इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है आर्ली ब्रेक देन आपको करेंगे ज्वाइन प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन और वेलकम बैक वंस अगेन वेल जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब लोगों को उम्मीद है कि ट्यून इन कर लिया होगा आपने 107.4 मेरा एफएम और बारह बजकर सात मिनट हो चुके हैं उम्मीद है कि इस वक्त जो कुछ भी आप कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज हैं उनके साथ आपका मूड भी अच्छा है प्लेजेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों की कल छुट्टी है तो ज़ाहिर सी बात है छुट्टी को सोच के ही वैसे ही हम लोग ज़रा अच्छे मूड में आ जाते हैं और अगर आपकी कुछ मसरूफियत है तो छुट्टी हो या ना हो फिर इसका कोई 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 फायदा नहीं है या फिर ये कह सकते हैं कि इससे कोई आपकी सेहत को असर नहीं पड़ने वाला बहरहाल अभी एक्चुअली मैं एक चीज़ देख रही थी बल्कि एक रिसेंटली रिपोर्ट मेरी आंखों के सामने से गुजरी और उसमें एक बड़ा ही ज़बरदस्ता इंकशाफ हुआ और इनफैक्ट देखा जाए तो हम बिंग पाकिस्तानी या फिर किसी भी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। और हम तो सम हाउ अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं हमें लगता है कि पाकिस्तानी होना ही आ, बहुत बड़ा जुर्म है या फिर पाकिस्तानियों के साथ तो ये नहीं है वो नहीं है और इस तरह से आ, जो सिचुएशन है उसको लेके यू नो हम बहुत सारे आ, सवालात उठाते हैं और इनफैक्ट जो महंगाई की सूरत हाल है या जो लोगों में डिप्रेशन एन्जाइटी है या पॉलिटिकल सिचुएशन को हम देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पसंद ही नहीं करते या जिनके बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कड़वी बात करते हैं सो so, शायद हम इस पर ज़रा सुकून से ना सुनना पसंद करते हैं इस टॉपिक पे और ना ही हम अच्छे तरीके से बात करना पसंद करते हैं सो so, एक्चुअली एक चीज़ जिसको शायद मुझे लगता है कि हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है या शायद हमने ये समझ लिया है कि पाकिस्तानियों के साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता यार सीरियसली जब आपको मैं बताऊंगी ना तो आपको खुद अंदाजा होगा कि मैं क्यों खुद इस सिचुएशन में हूँ कि हम लोग बहुत सारी नेशन से बहुत बेहतर हैं और जब हम बात करते हैं हमारी यंग uh, जनरेशन की हमारे जो यंगस्टर्स हैं या इवन uh, हमारी uh, पूरी नेशन की तो एक्चुअली ये इनकशाफ हुआ कि पाकिस्तानीज़ आर द फोर्थ मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। मतलब हम दुनिया के चौथे नंबर पर आते हैं इंटेलिजेंट तरीन लोगों में से और जब हम अपनी इंटेलिजेंस को इधर उधर की फजूल बातों में लगाएंगे सो uh, so, हमारी इंटेलिजेंस का कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन अगर हम वाकई में इसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज uh, करें और हम कुछ बेहतर करने के लिए अपने ही लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के लिए या दूसरों के लिए या जो हमारे साथ uh, अटैच्ड हैं जो कंसर्नड हैं हमारे लिए उनके लिए तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और इस बात पे प्राउड भी कर सकते हैं लेकिन एक्चुअली हमें रैट साइड नज़र ही नहीं आती हम शायद वो चीज़ देखते नहीं है जो चीज़ हम देखते नहीं है उस चीज़ को फिर अगर कोई दिखाने की कोशिश भी करता है ना तो हम डाउट में आ जाते हैं और अब आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को सुन के ये सोच रहे होंगे कि यार है सीरियसली ऐसा ही है ऐसा ही है सो <laughs> so, हम चौथे नंबर पर हैं दुनिया भर के वो लोग जो इंटेलिजेंट तरीन लोग हैं so, उनमें हमारी जो आ, नेशन है उसका शुमार होता है चौथे नंबर पर सो so, मेरा ख्याल है कि इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए और अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए उसको यू नो चैनल करने की जरूरत है सो so, फिलहाल अभी एक और ट्रैक इस गाने के बाद हमारे पास है ब्रेक ब्रेक से लौट कर आएंगे मजीद करेंगे आपको ज्वाइन आज के मौसम की क्या सूरत हाल है मुल्क के बेशर हिस्सों में वेदर अपडेट आपके साथ करेंगे शेयर और आज के दिन में क्या कुछ अहम अपडेट्स हैं जिसके बारे में मुझे करनी है आप सब लोगों के साथ बातचीत और बाय द वे आईएमएफ के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं जिसमें बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा आईएमएफ के बारे में चूंकि बात हो रही है तो मतलब हम अपने आप को मैंटली तौर पर रेडी रखें कि महंगाई जो है वो और ज्यादा मजीद हो सकती है आने वाले दिनों में सर महंगाई की बात करें तो महंगाई तो यार हर वक्त में रही है हर हर वक्त में रही है चाहे कोई भी दौर हम उठा के देख लें उस वक्त के लोग यही बात करते थे महंगाई है इस सेक्टर में काम नहीं हो रहा उस सेक्टर में काम नहीं हो रहा सो शिकवे शिकायत हम कभी भी <laughs> खुश रहने वाली कॉम में से नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग शायद इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर रहे कि यार थोड़े में इंसान को Uh, खुश होने की आदत डाल लेनी चाहिए और क्या पता अगला वक्त जो है वो हमारा ही हो यू नेवर नोर वेलकम बैक ऑन द डायल टू एम सॉन्ग सुन रहे थे आप आई एम श्योर कि आप uh, के साथ कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको भी लगे कि यार धोखा जो है वो हर तरफ है और um, सिंसेरिटी uh, लॉयलिटी, उसका कोई जवाब ही नहीं है बट एक चीज़ तो कन्फर्म uh, है कि अगर आप की नीयत साफ़ है अगर आप की तरफ से कोई गलती नहीं है आप स, उसका सिला तो आपको अल्लाह ताला की ज़ा देगी ही बंदे तो उस uh, खैर सिला नहीं दे सकते लेकिन uh, जब अल्लाह ताला की ज़ा की, की बात करते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताली की ज़ा की तरफ से जब रिवॉर्ड आपको मिलता है तो उस रिवॉर्ड को आप किसी भी सूरत शायद लफ्ज़ों में नहीं बता सकते कि आप को कैसा महसूस होता है और एक्चुअली अल्लाह ताला के साथ सुनती भी है देखती भी है आपको जवाब भी मिलता है और कभी कभी हम लोगों से शिकवे शिकायत करना शुरू हो जाते हैं आप सो बेहतर ये है कि शिकायत या शिकवे लेके दिल में बैठना बेहतर है ना कि हम अल्लाह तला की तरफ रुजू करें बात करें और सीरियसली इस चीज़ में सुकून भी है इस चीज़ में आपको इतना सुकून मिलता है कि आप शायद बता भी नहीं सकते और आ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप्स इसलिए भी नाकाम होते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ जिस तरह से भी चल रहे होते हैं ना हम उसमें कोई तीसरा बंदा ले आते हैं और उससे मशवरे करना शुरू हो जाते हैं आपकी एक फील होती है आपका एक आ, दिल का कनेक्शन होता है आपकी एक वाइब होती है आ, मेरा ख्याल है कि अगर एक इंसान आपके साथ है उसकी अगर दस बातें आपको पसंद नहीं है तो एक बात अगर आपको कनेक्ट कर रही है एक बात से आप उस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं वो बात काफ़ी है उसके साथ रहने के लिए क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता कोई भी इंसान आपको एक परफेक्ट लाइफ नहीं एक आइडियल लाइफ नहीं दे सकता सो so, हम अपने जो फ्लॉज हैं उनको कंट्रोल या उनको आ, बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं दूसरों के फ्लॉज को नहीं हम कंट्रोल कर सकते लेकिन मोहब्बत का तकाजा भी तो यही है ना कि आप एक इंसान से जब जुड़ते हैं तो आप उसके बुरे पॉइंट्स नहीं पहले देखते पहले आप वो वाइब देखते हैं जो आपकी कनेक्ट होती है सो so, अगर एक चीज़ में आप उस इंसान के साथ खुश हैं और दस चीज़ों को लेके आप ना खुश हैं उनको आप साइड पे कर सकते हैं हर बंदे की फिलॉसफी है हर बंदे की एक साइंस है बट एक्चुअली कुछ माहरीन भी इस बात पे इतफाक करते हैं कि जिस बंदे से आपको मोहब्बत होती है प्यार होता है अगर उसके साथ चलने के लिए आपको किसी तीसरे बंदे की जरूरत होती है कि आप किसी तीसरे बंदे से मशवरा करते हैं कभी भी वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता और स्पेशली ऐसे मामला में वो लोग बहुत ज्यादा इन रहते हैं जो एक सक्सेसफुल uh, रिलेशन नहीं निभा पाते उनकी कभी भी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए और टू सम हाउ आपकी एक गट uh, फीलिंग भी है आपकी एक यू you नो know, एक इनर वाइब है वो आपको uh, बता देती है कि यार ये बंदा आपके साथ ठीक uh, है या नहीं है या इस बंदे के साथ जो आप वाइब फील कर रहे हैं वो सही है या नहीं है सो so, हर चीज नहीं मिलती बट जो मिलता है उस पर uh, हम उस दस पंद्रह चीज़ों को लेके एक जो चीज़ हमारे साथ कनेक्ट हो रही है उस पर जज नहीं कर सकते अगर हमें उसके साथ रहना है उस, उसका साथ हमें प्यारा है वो इंसान हमें बहुत ज़्यादा यू नो अच्छा लगता है तो उसके लिए हम ऐसी चीज़ों को साइड पे रख सकते हैं और फिर उसके साथ सीरियसली एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं एक अच्छा टाइम गुजर सकता है और शायद एक पूरी लाइफ गुजर जाए आप सो डिपेंड करता है आप किस तरह की सोच के इंसान हैं आपको क्या हर चीज़ परफेक्ट चाहिए तो परफेक्ट तो कुछ नहीं मिलता लिहाजा उस परफेक्शन के चक्कर में आप उस इंसान से भी हाथ धो बैठते हैं जो वाकई में आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है या आप के लिए कंसर्नड रहता है सो so जो इंसान अपने बिजी टाइम में से आपके लिए थोड़ा भी टाइम मैनेज कर रहा है और अपनी जिंदगी में आपको थोड़ा सा भी हिस्सा दे रहा है तो वो आपके साथ वाकई में लॉयल है जेनवन है बट यहां पर कदर नहीं की जाती यहां पर जज किया जाता है यहाँ पर ये देखा जाता है कि अच्छा इसका ये बुरा पॉइंट है तो इस पे लेके उसको ऐसा बैश किया जाता है कि उसे किनारा कशी ही इख्तियार कर ली जाती है ये सोचे समझे बिना कि उस इंसान को कैसा लगेगा सो so, ये कंसर्न होता ही नहीं है लोगों का बहरहाल अभी लेकर चलूंगी आपको मैं टूवर्ड्स एन अदर सॉन्ग लेकिन मुझे अभी चेक करना है कि हमारे पास कमर्शल ब्रेक है या नहीं क्या हम गाना प्ले कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सो so, फिलहाल इस जबरदस्त से टर्किश सूफी म्यूजिक के बाद आपको करूंगी ज्वाइन सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन वेलकम बैक वंस अगेन आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे ट सैटरडे सुबह ग्यारह बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक और एक्चुअली आज फ्राइडे uh, है तो फ्राइडे के शो में एक रिचुअल हुआ करता है सो so, uh, वो भी शामिल रहेगा बट अभी uh, मौसम की बात कर रहे थे हम थोड़ी ही देर पहले तो स्कैटर्ड थंडर स्टार्मस के साथ इस्लामाद में इस वक्त थर्टी वन डिग्री सेंटीग्रेड मैक्मम थर्टी वन मिनिमम एटीन एंड ह्यूमिडिटी लेवल फोर्टी एट परसेंट और Um, i till Tuesday, uh, Barishka Selsala in Islam Bad or little 36 degrees centigrade. मैक्सिमम 37, मिनिमम 22 टू एंड ह्यूमिडिटी लेवल 28% परसेंट और सियालकोट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम 34, मिनिमम 22 टू एंड ह्यूमिडिटी लेवल 35% परसेंट so सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट हो गई बाकी अगर आप आ, किसी भी बारे में बात करना चाहते हैं और मोर देन वेलकम सो फिलहाल कुछ बात कर लेते हैं जरा ट्रैफिक के बारे में सो uh, so, इस वक्त uh, uh, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सूरत हाल है लेकिन जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची के स्पेशली uh, कुछ ऐसी रोड्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है और uh, अभी अगर आप इस वक्त uh, कराची में हैं और सुन रहे हैं uh, तो शहर फैसल पर uh, जिना हॉस्पिटल के करीब uh, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की जो सिचुएशन है वो बदतर है और इनफैक्ट uh, तब मुझे बहुत ज़्यादा uh, ये चीज़ डिस्टर्बिंग लगती है कि ट्रैफिक जाम है और एम्बुलेंसेस अगर उस ट्रैफिक जाम में हो तो उस ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको बेहतर तरीके से लेके चलने की कोशिश करनी चाहिए बजाय ये कि लोग उसको अंडरस्टैंड करें तो लोग एम्बुलेंस के आड़ में ट्राई uh, करते हैं कि वो uh, खुद निकल जाए सो so, इस तरह की जब सिचुएशन होती है यार आप पाँच दस मिनट लेट हो जाएंगे इट्स ओके okay. लेकिन कोई एक ऐसा इंसान जो जिंदगी और मौत uh, की कश्मकश में होता है सो so, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इत, इतनी तो इंसानियत हमें दिखानी चाहिए कि हम एम्बुलेंस को प्रॉपर जगह दे सकें uh, uh, अगर यू uh, नो you know, कोई इमरजेंसी होगी तो डेफिनेटली तभी एम्बुलेंस um, जो है वो um, बहुत ज़्यादा यू नो हरी में होती है तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कोशिश करें कि जब ट्रैफिक जाम भी हो तब भी कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि एम्बुलेंस को एटलीस्ट जगह दें और उस आड़ में कि हम भी निकल जाएंगे एम्बुलेंस के पीछे पीछे तो ये कोशिश ना किया करें यह एक छोटी सी बात थी जो कि मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि उन लोगों तक पहुंच चुकी होगी जो इस तरह की हरकतें करते हैं So, फिलहाल कुछ बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान ने कौमी असम्बली की इतिहाद कौंसिल में शमूलियत तस्लीम कर लिया अच्छा ओके और इसके साथ साथ पंजाब में रहनुमाओं के घर छापे मारे जा रहे हैं पुलिस गर्दी खत्म होनी चाहिए उमर उमे कह रहे हैं ओके और चूंकि हमने थोड़ी ही देर पहले बात की थी कि वज़ी अला पंजाब ने तकरीबन पचास के करीब मकाम हैं जहाँ पर मुफ्त इंटरनेट सर्विस जो है वो उसको मेक श्योर करने का फ़ैसला किया है और बहुत सारे लोग इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है और अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगह हैं जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर इंटरनेट की जो सहूलत है वो इजीली मिल जाती है और ये जो इंटरनेट है ये आपको आ, टाइटल के साथ मिलेगा सी एम नवाज़ फ्री वाई फाई और मुझे ये लगता है कि इस तरह के जो वाई फाई की सहूलत दी जाने की कोशिश की जाती है ना बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पर भी ऐसा होता है सो वो वाई फाई कभी चलता ही नहीं है अब देखते हैं कि ये वाई फाई क्या वाकई में चलेगा भी या नहीं और ये चूंकि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है तो अगर इसमें कोई ग्लिच वगैरह आता है तो इसको रेक्टिफाई भी किया जाता है या फिर जस्ट एक सहूलत के नाम पर काम कर दिया जाएगा सो ये एक आ, मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट है कि क्या ये वाईफाई चलेगा भी या नहीं चलेगा अच्छा कुछ एरियाज़ हैं जिनका मैं आपको बताती चलूँ अनारकली है आ, और मेन बाज़ार चुंगी मॉडल बाज़ार ग्रीन टाउन और आ, आ, इसके अलावा जनाब शाद बाग ब्लॉक और मेन मार्केट वेलेंशिया और कजाफी स्टेडियम जाम शरी पार्क बिल्कुल ये आ, हमारे करीब ही है और आ, मतलब कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं जो इसमें आते हैं शालीमार हॉस्पिटल है, शाली है इतफाक हॉस्पिटल है और जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी है अलराज़ी है और लिबर्टी स्क्वायर और इसके अलावा कुछ तालीमी इदारे भी हैं जो कि इस आ, चीज़ के अंडर आ रहे हैं कि जहाँ पर फ्री वाईफाई की जो सहूलत है वो मिलेगी सो so, होपफुली अगर फ्री वाईफाई की सहूलत दी जा रही है तो प्रॉपर वाईफाई मिलेगा ना कि यू नो बहुत सा, बहुत ज़्यादा जब लोड हो जाता है तो भी वो वाईफाई काम नहीं करता तो कुछ इस तरह की सिचुएशन ना ही हो तो बेहतर है सो so, फिलहाल अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग इस गाने के बाद करेंगे आपको जॉइन सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन ओ हो वेलकम बैक वंस अगेन कुछ गाने होते हैं जिनके साथ आपकी वाइब मैच मैच कर जाती है आई uh, गेस ऐसा ही है <laughs> अगर आपको समझ में आ चुका है तो uh, ये गाना काफी मजे का लगता है मुझे और गाने के लिरिक्स भी अच्छे हैं और गाना अच्छा गाया भी है इसका म्यूजिक भी अच्छा है सो so, क्या क्या अच्छा है इस गाने में वो तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट ये है कि आज के दिन की अच्छी बात यह है कि आप लोग अच्छा फील कर रहे हैं और मेरे साथ अगर कनेक्ट किया है आपने तो इससे अच्छी और क्या बात होगी क्योंकि कभी कभी इंसान उन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में आ ही जाता है उन लोगों के साथ कनेक्ट कर ही जाता है जिन लोगों की ज़रूरत होती है और अगर आपको कोई मेरी बात क्लिक कर गई है जिससे यू you नो know, आपको मोटिवेशन मिली है या कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आप थोड़ा सा लो थे और आपको लगा कि नहीं यार हाँ मुझे अपने आप को संभालना है और अपने आप को बेहतर तरीके से लेके चलने की कोशिश करनी है चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो सो uh, so, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही हैं एंड आई एम श्योर कि आप uh, अगर किसी चैलेंज के साथ अपने आप को डील कर रहे हैं तो निकल आएंगे इन सो so, फिलहाल अभी मैं एक बहुत ही प्यारा सा कलाम प्ले करने वाली हूँ अच्छा दो ऑप्शन है एक तो हैद्रियम और एक पर्दादारी तो चलें है। हैद्रियम को प्ले करूंगी और इस बहुत ही खूबसूरत से कलाम के साथ अब Uh, यही कहूंगी कि इजाजत दें अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआ में याद रखें जिंदगी रही तो कल होगी डेफिनेटली मुलाकात सुबह ग्यारह बजे टिल दैन टेक केयर अल्लाह हाफिज अल्लाह ने के बान एंड खुदा पमान